उसके करीब को 10 मिनट बाद ना वो सारे बर्तन उठ गए। हेलो बोल दिया। देखो गाइस, मुंडे देश ने डब्बू डुग्गू मुंडे देश ने यार बेचारे ने बुंडू और उस जलन में ये कूदने की तैयारी कर रहे हैं अभी। अरे यार सो गाइज, मैं आ चुका हूँ पहाड़ों की अल्टीमेट ऊंचाई पर और यहाँ से आगे रोड भी ख़त्म हो जाता है। सारा कच्चा रोड है और बड़ा ही सीट की पेटी पैक करते हुए डरते डरते आए हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी भी गाड़ी अगर मिस गाइड हो जाए तो सीधा आदमी अप गाइड हो जाए। बाकी ड्राइविंग के मामले में हम सेफ इसलिए रहे क्योंकि हमारे साथ बहुत ही प्यारा ड्राइवर है हमारा। अपना नाम बताओ भाई। जयप्रकाश। जयप्रकाश बहुत ही टैलेंटेड बंदा है भाई ये, और बहुत ही सेफ तरीके से हमको यहाँ पे लेके आया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, ट्रैकिंग कर रहे हैं लोग, ये देखो। और आगे मंदिर की तरफ जा रहे हैं आप। यहाँ पे बताया गया कि बहुत ही खास मंदिर है, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, तो चलते हैं मंदिर की ओर। सो गाइज, आफ्टरनून हो चुकी है और इस प्लेस का नाम इन्होंने बताया थात्री। और अभी मैं हूँ हमारे कार्तिकेय जी के मंदिर के सामने और इस जगह की विशेषता के बारे में सर बताएंगे। सर आपका शुभ नाम? अजीत कुमार सर। अजीत कुमार जी हैं, बहुत ही जेंटल बंदे हैं। तो सर इस जगह की खासियत बताइए थोड़ा। खासियत ऐसी है सर कि पार एक छेव, ये जो मोड़ है, हाँ जी, इस मोड़ को छेव का मोड़ बोलते हैं। छेव का मोड़, छेव का मोड़, छेव मीन जो छेव का मीन्स क्या है, जैसे हम कुदाली लेते हैं, हाँ जी, कुदाली लेते हैं तो जैसे कोई खुदाई करते हैं जी, तो एक मिट्टी का टुकड़ा निकलाता है उससे खुदाई करने से। हाँ हाँ। तो किसी पांडवों के जमाने में यहाँ छेव ऐसा, ये जो दरिया था पीछे एयरपोर्ट के आगे एक हवाई अड्डा है, वाइडे के पास एक रजोल गांव है, रजोल गांव के साथ एक गज खड्ड है, उस खड्ड का नाम गज है दरिया का। तो पांडवों का पर्पज ये था भी इसको उठाना और ये गज खड्ड के वो छेव जो लाई थी ये लगा देनी है, पांडव को जाना फिर उधर ले जाना था उन्हें। अच्छा, पर वो ऐसा हुआ कि जैसे वो यहाँ छेव पहुँची तो छेव पहुँचते मतलब ऐसा हुआ कि वो जैसे छेव रखी तो सवेरा हो गया, वो वैसे की वैसे रहेगी। पर छेव भी कोई टुकड़ा नहीं है, पूरा पहाड़ी यहाँ से दिखेगा थोड़ा सा टुकड़ा, नहीं तो छेप के मोड़ से पार फिर उसके बाद इसे करना छेप। अच्छा, दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ एक नाग मंदिर है, हाँ, इंद्र नाग मंदिर, हाँ जी। तो उसकी विशेषता सर 1950 हमारे फादर बताते थे, बड़ी मान्यता थे मंदिर की। तो जो भी कुछ ही था, शाम को आना, धूप जलाना, प्रार्थना, सच्चे सच्चाई थी उन जमाने में। तो ऐसा था कि नाग जी को बोल, नाग जी हमारे घर में शादी आई है तो ये बर्तन चाहिए, बड़े बड़े बुल्टो, ये पतीले, टेकची, जो परात जो भी है, वहाँ वो एक पत्थर दिखता है, अभी दिख रहा है पार सामने पत्थर, देखो पार सामने अभी बड़े बहुत दूर है ना पत्थर, वो पत्थर गांव से नीचे पत्थर है वो पत्थर, राइट 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 राइट, वो ब्लैक पत्थर आप अगर देख पा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पत्थर में ऐसा है कि इस पत्थर के पास उन चीजों का ढेर लग जाता, ठीक है जी। सो वो उठानी ले जानी शादी के टाइम पर, इसका यूज करना पूरा ठीक ढंग से, और वैसे ही वो चीज़ें शाम के समय थोड़ा अंधेरा होने से पहले वहाँ छोड़ देनी, बस वो चीज़ें का ले जाते थे नाग जी महाराज, इतनी मान्य थे। वेरी, कितना होली प्लेस है देखो दोस्तों, और इसी होली स्पिरिट के कारण शायद यहाँ के जायके में, चाय के टेस्ट में या लोगों के स्वभाव में एक अलग सी मिठास है, एक अलग सा टेस्ट है। अच्छा, अच्छा
गाइस काफी सारा फोटोशूट चल रहा है और इसी दौरान मेरे डॉग लवर फ्रेंड को अपना एक साथी मिल ही गया। मतलब पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पे भी इसको अपना एक साथी मिल ही गया। देखना चाहोगे? दिखाता हूँ। इसका क्या नाम रखा फिर इसका? ना इसका नाम नहीं है। नाम घूमने दे इसने। डब्बू डुग्गू बुंडू इसने यार बेचारे ने। बुंडू भाई हरियाणा वाले तो इस तरह के नाम टेके। बुंडू कुंडू कालू रख दे फिर। कालू इतने ही कह रहे तो कालू रख दे। और जैसा विकास अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको नाम दे रहा है सर। तो देख लो भाई अपने पहाड़ों में बिना किसी ट्रैकिंग इक्विपमेंट के ये गाय माता कैसे यहाँ घास चर रही है। हेलो गौआ माता कैसे हो? हेलो बोल दिया। देखो गाइस इसने लुक दिया है, इसका मतलब हेलो बोला है। तो कितना क्विंटल घास खा लेती हो दिन में और फिर भी नहीं खत्म हो रहा है यहाँ पे? पूरा मान गई। और ये विकास भाई ने सुबह ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस डाली थी, कहीं ना कहीं ये सिग्नल था कि ब्लैक एंड व्हाइट दोस्त मिलेंगे आज, और दोस्त मिले भी और इसके चेप हो चुके हैं। ये मुझे लगता है हिसार तक जाएंगे और तब वो फिर इनसे जेलस होएगा। और ये तो अभी से लड़ रहे हैं, मैं हिसार जाऊंगा नहीं मैं। ओके सी यू गाइस। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ की स्पेशल चाय पीने, कांगड़ा की चाय, और टोरल कैफे है यहाँ पर, वहां पे ये चाय मिलेगी। तो चलो चलते हैं और अपनी जर्नी को और कड़क बनाते हैं। पहुंच गए और अभी यहाँ की जायकेदार चाय का मजा लेंगे। पूरी जर्नी में हमारा सबसे अच्छा जो गाइड का रोल और एक बहुत अच्छा फ्रेंड मिला है, अंशुल नाम है। हाय करो। कल रात को इससे मीटिंग हुई थी और बहुत फेवरेट हो चुका है हमारा और हमें एक अच्छा गाइड मिल गया है। और उस जलन में ये कूदने की तैयारी कर रहे हैं अभी। ओ सो गाइस, जिस चाय का हम वेट कर रहे थे, जिसके लिए स्पेशली हम 4 किलोमीटर ट्रैक करके आए, तो चाय अब मिल रही है और देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। एज एक्सपेक्टेड बहुत ही नेचुरल और कड़क चाय है। गलत नहीं होगा कि लोगों ने इसे फेमस चाय बनाया, वाकई में इसका टेस्ट जो मैं घर पे आयुर्वेदिक हर्बल चाय बनाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा इसका अच्छा एक्स्ट्रा है। अब मैं इनसे पूछूंगी गाइस इसमें आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अगर बताएंगे तो। और सच बताऊँ दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है पहाड़ों के बीच में बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टूर था और बहुत मज़ा आ रहा है। जितनी भी कोरोना टाइम में टेंशन्स थी, एग्ज़ाम्स की टेंशन्स थी, जो भी बिजी लाइफ थी, एक सुकून महसूस हो रहा है। अभी है 2-3 दिन है हमारे पास काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बने रहिए हमारे साथ।